हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और फिर से एक बार यहाँ पे आज एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम तो बहुत पास में आने वाली है, तो एमसीक्यू हम लोग करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के। जिस तरह से मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, एमसीक्यू अगर आपको सही से पढ़ना है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो मस्ट होती है। ये ही एमसीक्यू डिट्टो टू डिट्टो नहीं आएंगे, लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू को हम लोग को किस तरह से अटेंड करना है। तो यही हमारा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नीटली ड्रेस मैन विद अ प्लेजेंट एक्सप्रेशन विल फाइंड इजियर टू एस्टेब्लिश द रेपो। तो भाई आंसर तो इसका ट्रू ही आएगा। भिखारी के साथ क्या आप शांति से बात करते हैं क्या? जो नया नहीं होता है उससे हम लोग बराबर बात करते हैं क्या भाई? दूर से रहे, अंडरस्टैंड दिस। तो ये चीज हो जाती है कि भाई ये अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत ही इजी हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, देखो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन है तो बता देता हूं मैं। यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया, नहीं यार मल्टीमीडिया जो होता है वो तो ऑडियो और विजुअल जैसे पिक्चर हो जाता है। तो एक चीज हमारी ये क्लियर हो गई। साइलेंस जो हो जाता है मल्टी चैनल, तो सिंगल चैनल ऐसा तो कुछ होता नहीं है। पिक्चर ऑफ अ डॉग, तो वो साइलेंस तो होता नहीं है। तो बचा क्या? तो ये बचा कन्वे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, तो जैसे अभी यहाँ पे वीडियो में मैं ही बोल रहा हूँ, तो ये सिंगल चैनल होता है। तो बच गया, अब ये दो बच गए और यहाँ पे और एक बच गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल मल्टी चैनल होता है, बिकॉज हम लोग रेपो देखते हैं, कलर देखते हैं, लुक्स देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, स्माइल देखते हैं, फ्रोन देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ से हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको, और बाकी जो बचा विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा, जैसे बी अवेयर ऑफ डॉग, या तो वो डेंजर करते हैं ना, सब खोपड़ी कर देते हैं और फिर यहाँ से कुछ ऐसे करके पता चल जाता है कि भाई ये डेंजर है। तो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो उस पर प्लीज़ कमेंट मत करना। एनीवे, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा हो जाता है? वर्बल तो बहुत पहले से था, नॉन वर्बल मोस्ट मॉडर्न तो है नहीं, विजुअल तो चार्ली चैपलिन के पिक्चर थे, ऑडियो विजुअल जो हमारे जमाने में, मतलब आपके जमाने में, हम तो हो गए। इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। अपवर्ड नहीं, अपवर्ड तो जब ऐसे पूछते हैं तो ओरल, ये तो पर्सनल भी हो सकता है, इनफॉर्मल पर्सनल हो सकता है। तो इंटरव्यू बिजनेस कम्युनिकेशन ही होता है। अपवर्ड में तो जब एम्प्लॉई मालिक से बात करे, सुपीरियर से, अंडरस्टैंड दिस। तो ये तो जॉब रखने के बाद हो जाता है, तो ये इंटरव्यू तो जॉब रखने से पहले होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ऐसे हमको सोचना पड़ता है, ऐसे हमको अलग अलग जो आंसर है उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू? आर्ग्यूमेंटेटिव। भाई ये तो वो उसका शो थोड़ी है अर्नब गोस्वामी का, कि आई वॉन्ट टू, मुझे बोलने दो, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, जॉब करोगे, नहीं करोगे, ऑल ऑफ देम। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? तो कि भाई नन ऑफ देम। तो इस तरह से होता है। लेकिन तो कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये जो वीडियो में इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन आते हैं, क्लोजिंग क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपने मॉड्यूल में या मटेरियल में दिया हुआ है, तो जरा उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे जाने देते हैं और सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हीप ऑफ परसेप्शन, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं है, तो इसको निकाल दो। इसको वर्बल गार्बेज या गार्बेज लफड़ा भी तो कभी सुना ही नहीं है बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो इसको भी जान दो। ग्रेपवाइन का मतलब क्या हो जाता है? कि शाहरुख खान का इसके साथ अफेयर है, इसका इसके साथ अफेयर है, जैसे अभी नेक्स्ट नहीं आया अर्जुन कपूर और मल्लिका का अफेयर है, वो सारी चीज़ें ग्रेपवाइन हो जाती है। तो यार टू मच इन्फॉर्मेशन ग्रेपवाइन थोड़ी होगा, एग्जैक्टली, तो फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। सी इसी तरह से आपको रॉन्ग वाले एलिमिनेट करेगा। डैश इज एन डैश लिसनिंग, द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर आर स्टेट ऑफ रेस्टफुल अलर्ट। रेस्टफुल अलर्ट का एम्फेटिक नहीं होता, एक्टिव में नहीं, पैसिव में तो कुछ होता ही नहीं, तो बचा कौन सा? प्रोजेक्टिव। तो इस तरह से अपने को देखना पड़ता है। सेंसिटिविटी लिसनिंग इज ऑल्सो रिफर टू, तो सेंसिटिव तो अभी अभी ऊपर ही पड़ा है, तो वो हो जाता है सॉरी वो हो जाता है एम्पेथेटिव लिसनिंग। स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया।
18 वाला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिसनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो एक्टिव होगा, बिकॉज प्रोजेक्टिव प्लस सेंसिटिव इज इक्वल टू एक्टिव लिसनिंग। तो ऐसे जरा फॉर्मूला भी थोड़ा बना दोगे तो अच्छा रहता है। फीडबैक फ्रॉम लिसनर कैन इन्फ्लुएंस द स्पीकर। फीडबैक कहाँ होती है? मास कम्युनिकेशन में, नरेंद्र मोदी के भाषण में कहाँ से फीडबैक आएगी? नॉन वर्बल में कहाँ से फीडबैक आती है? रिटर्न में तो बस वो लिखता है और हम पढ़ते तो सो जाते हैं, तो फीडबैक तो होता ही नहीं है, तो फेस टू फेस में ही फीडबैक को हो जाती है। सी दिस इज द एग्जैक्टली द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। फिर एक और ट्रू और फॉल्स है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इन रिटर्न कम्युनिकेशन फीडबैक क्या होता है? ऑब्वियसली बहुत स्लो होता है, बिकॉज वो पता नहीं कागज कब लिखेगा और कब मिलेगा। कंटिन्यूस तो फेस टू फेस में हो जाता है, इमीजिएट ओरल कम्युनिकेशन में हो जाता है। तो अगर ये दोनों नहीं है तो ये ऑप्शन तो कभी आएगा। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या हो जाएगा? फीडबैक स्लो कम्युनिकेशन ही नहीं, फीडबैक ही नहीं होता है। मतलब आपने पिक्चर पे बोल दिया या तो यूट्यूब पे बोल दिया तो कहाँ से स्लो फीडबैक आएगा? कंटिन्यूस तो कभी होता नहीं है। मास कम्युनिकेशन में तो फिर नॉन ऑफ दिस ही आएगा। रिएक्शन ऑफ अ रिसीवर फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन। रिएक्शन ऑफ द रिसीवर फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर वो रूड होगा या तो इमोशनल होगा या कुछ ध्यान ही नहीं देगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये सारे होने से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए ये पर बेसिकली ऑप्शंस जो है वो थोड़े से वेवी दिए हुए हैं ये क्वेश्चन के अंदर। तो लिसनिंग यहाँ पे और एक सॉरी लिसनिंग इज एन इंटरेक्टिव सेल्फ जनरेटर तो होता नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा तो कभी सुना नहीं है। कॉम्प्लेक्स तो बाकी क्या रहा, इंटरेक्टिव होता है, वो सुनता है, समझता है, पूछता है। डैश मोस्ट पजेस स्पेशल कॉम्पिटेंस ऑफ लिसनिंग। टीचर वो तो हम लोग शाउट करते रहते हैं, एक्टर तो वो तो अपना काम करेगा, पॉलिटिशियन वो तो कभी सुनते ही नहीं है, साइकाट्रिस्ट ही बाकी रहा। तो दोस्तों बेसिकली एक इसी तरह से ये है कि भाई दिस इज द ओनली वे आप ये लिख सकते हो। तो होप ये एक छोटा सा वीडियो था बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर कोई डाउट है तो इस पे जाके, इंस्टा पे जाके आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो में लाया करूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।